खरगोन जिले के सेल्दा स्थित एनटीपीसी प्लांट में मजदूर बलदेव की मौत की घटना के 10 घंटे बीत जाने के बावजूद भी परिजनों ने मृतक मजदूर के शव का पीएम नहीं करवाया और एनटीपीसी के सामने हंगामा प्रदर्शन किया। हंगामा कर रहे परिजनों ने मृतक के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य की नौकरी और मजदूर पत्नी को पेंशन देने की मांग की। वहीं भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री नरेंद्र पटेल का कहना है कि एनटीपीसी प्लांट में इसके पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं। प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। आज मजदूर बलदेव की मौत लेबर ठेकेदार की लापरवाही से हुई है। मजदूर बलदेव को कार्य के दौरान कोई सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं हुए थे। 30 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा, जिसके चलते उसके सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आप बताइए सर, आप कुछ चलते नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कैसे आपको हैंड ओवर कर दिया हॉस्पिटल के? नहीं कर सकते, जब तक साइन नहीं करेगा परिजन, जब तक साइन नहीं होगा हैंड ओवर नहीं कर सकते। तुम्हारे साइन के कारण ही तो हम रुके हैं। नहीं तो सर, ये एनटीपीसी का प्लांट है, वहाँ पर मजदूर की गिरने से मौत, क्या मामला सर, क्या किस प्रकार की जांच चल रही? ये जो एक मजदूर है, इनका नाम है बलदाव राठौर, निवासी भाग्या भटिया। तो ये इनकी मृत्यु हुई है और इस संबंध में विधिवत मार्ग कायम करके जांच की जाएगी। ये अभी तो प्राइमरी सूचना मिली है, पुलिस दल पहुंच गया है, थाना प्रभारी वहीं है और इसमें विधिवत मार्ग कायम करके और उसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से इनकी मृत्यु हुई है। कहां पर हादसा हुआ सर? ये एनटीपीसी का जो प्लांट है उसके अंदर ही हादसा हुआ है। सर कोई लापरवाही बड़ी मानी जा रही है? ये अभी जो मर्ग जांच होगा इसमें सभी पहलुओं पे ध्यान दिया जाता है कि मृत्यु का कारण क्या है, उसको स्पष्ट किया जाता है, तद अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।